ओम शांति। आज की तारीख है 16/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, ये पूज्य और पुजारी है। ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है, पतित पने की निशानी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुड़ यानी पलड़ा है ज्ञान का और दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पूरा हल्का है और भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुल भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा। वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, ये जीवन बाप की सेवा में लगानी है, यानी परमपिता परमात्मा जो विश्व सेवा कर रहे हैं, हमें भी अपनी जीवन उसमें लगानी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। हम क्या करेंगे, कोई उल्टा सुल्टा बोलेगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम भी उसको कहना शुरू करेंगे। तो बाबा कहते हैं उसको जवाब नहीं दो, शांत रहो। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। नंबर दो है, अपने रजिस्टर की जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है और अवगुण निकाल देने हैं। वरदान सतगुरु बाबा का स्वदर्शन चक्र के टाइटल को स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त होने वाले माया जीत भव की संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं, उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाजीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।